बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्वेटा ग्लेडर्स ने होम ग्राउंड पर पिशावर जलमी को नुमाइशी मैच में 2 रन से शिकस्त दे दी। कुटी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पिशावर जलमी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में ग्लेडिएटर्स की टीम 184 रन बनाने में कामयाब हुई थी, जबकि इसके 4 खिलाड़ी पवेलियन लौटे थे। हदफ के ताकब में पिशावर जलमी की जानब से मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ने इनिंग्स का आगाज किया था। हम बाबर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दीगर खिलाड़ियों में शाहिद अफरीदी 25, आजम खान 6, सैम अयूब 19, आमिर जमा 1 रन बना सके। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने 53 रन की इनिंग्स खेली। क्वेटा ग्लेडर्स की जानब से मोहम्मद हसनैन, इफ्तिखार अहमद ने 2-2 जबकि नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। अबल नजीब बलोचिस्तान की जाने से पहले बैटिंग करते हुए एहसान अली 5, उमर अकमल 0, कप्तान सरफराज अहमद 4 और अब्दुल वाहिद बेंगल जई 28, खुशदिल शाह 36 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने 50 गेंदों पर 94 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उन्होंने वहाब रियाज को इनिंग्स के 19वें ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। पिशावर जलमी की जानब से वहाब रियाज ने 3, उसामा मीर और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। कबल अजी मैच के दौरान तमाशाइयों ने खिलाड़ियों पर पत्थर बरसा दिए थे, जिसके बायस इंतजामिया ने कुछ देर के लिए मैच रोक दिया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी नवाज़े, शुक्रिया, वस्सलाम।